हे गाइस, दिस इज एंडी, यू वाचिंग बीइंग देसी। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी 5 ऐप्स के बारे में जो शायद आपके फ़ोन में ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी उन 5 ऐप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हमारी फर्स्ट ऐप की तरफ, जिसका नाम है स्नैप ट्यूब। दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी आसान ऐप है। इससे आप किसी भी वर्ल्ड वाइड किसी भी साइट से वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वाइन, कोई भी साइट हो, आप उससे वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे वीडियो डाउनलोड करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको सिंपली उस वेबसाइट पर जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यूट्यूब पर चलते हैं तो आपको youtube.com का होम पेज खोल के दिखा देगा और आपको बता भी देगा कि आप वीडियोज़ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ट्रेलर चलाया फास्ट एंड फ्यूरियस 8 का, जो कि काफ़ी धांसू है, और आपको यहाँ पे डाउनलोड का बटन मिल जाया करेगा हर बार जब भी आप कोई वीडियो चलाएंगे। एंड उसके बाद आप अपनी मनचाही क्वालिटी या फिर आप कह सकते हैं बिट रेट या फिर साइज चेक कर सकते हैं, और उसके साथ आप अपनी जो वीडियो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपकी वीडियो कुछ ही देर में आपके गैलरी में पहुँच जाएगी। ऐसे ही आप फेसबुक के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको जो अपना अकाउंट है वो खोलना पड़ेगा और उसके बाद भी वही सिंपल जो डाउनलोड का बटन आता है वो आ जाएगा। अब दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि ये जो ऐप है बिल्कुल 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 जिसे कहते हैं एकदम सेफ़ है, और इसको आसान करना मतलब इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है और आप इसको काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप चाहें तो कैटेगरीज़ के हिसाब से भी इसमें वीडियोज़ डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं, बट ये किसी और देश की ही दिखा रहा है, तो ये नहीं पता कौन सी कंट्री की दिखा रहा है। बट आप अपना जो एक मनचाहा टाइटल है या फिर कोई वीडियो है उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो ये इस ऐप की खासियत है। अब दोस्तों, ये आप देख सकते हैं हमारे सर्च रिजल्ट्स आ गए। तो अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ ऐप की तरफ, यानी कि हमारी चौथी ऐप की तरफ। तो जो हमारी चौथी ऐप है उसका नाम है हैक्स लॉक। ये काफ़ी मज़ेदार ऐप है और काफ़ी सेफ़ ऐप भी है। दोस्तों, ये आपकी ऐप्स को काफ़ी अच्छे तरीके से लॉक करता है और इसको यूज़ करना काफ़ी मज़ेदार काम है। इसको आपको आप में इसमें पहले 2 डिफ़ॉल्ट मोड्स मिल जाते हैं, एक होम मोड और एक वर्क मोड। आप चाहें तो अपने हिसाब से लॉक कर सकते हैं अपनी ऐप्स को, और अलग अलग जगहों के हिसाब से आप अपनी ऐप्स को लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वर्क के लिए अलग ऐप्स लॉक करी, फिर होम के लिए अलग ऐप्स लॉक करी। तो ये काफ़ी अच्छी बात मेरे को इसकी लगी कि आप एक टाइम पर सारी ऐप्स को लॉक ना करते हुए अलग अलग जगह पर अलग अलग हिसाब से ऐप को लॉक कर सकते हैं। जैसे कि आप घर में हैं तो व्हाट्सएप को लॉक कर सकते हैं, ऑफिस में तो व्हाट्सएप लॉक कर सकते हैं, या फिर जो आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहें वो बना सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी कस्टमाइजेबल ऐप है। इससे आप अपनी जो ऐप्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और दोस्तों जिसे कहते हैं काफ़ी आसान यूज़ करना वो है। आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी अपनी ऐप्स की, तो आप वो भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिसको मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर किसी ऐप को लॉक भी कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाएगा सारी ऐप्स लॉक करने का। उसके बाद दोस्तों, आपको इसमें एक मीडिया वॉल्ट भी मिलता है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, आपको इसके अंदर एक मीडिया वॉल्ट भी मिलता है। आप चाहें तो अपने हिसाब का जो मोड है उसको ऑन कर सकते हैं, और जैसे ही आप उस मोड के आइकन पर क्लिक करेंगे वो मोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और जो ऐप्स आपने पुराने मोड पर ऑन करी थी वो अनलॉक हो जाएंगी। तो आप इसमें जो कस्टमाइज इसको कर सकते हैं, आप चाहें तो अपना आइकन बदल सकते हैं किसी भी मोड का, और आप उसका नाम दे सकते हैं पर्सनल, जो भी आप उसका नाम देना चाहें वो। इसके बाद दोस्तों, आपको मैंने बताया मीडिया वॉल्ट आपको इसमें मिलता है, जिससे आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। इसमें आपको और मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे आप किसी कैफ़े में हैं, स्कूल, पार्टी, होम, जैसे भी हैं, तो उसके हिसाब से आप इसमें ऐप्स को लॉक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके मीडिया वॉल्ट की तरफ। तो इसके मीडिया वॉल्ट में आप अपने हिसाब से जो भी आप फाइल चूज़ करना चाहें उसको कर सकते हैं, और विद इन अ सेकेंड आपकी जो फाइल है वो वॉल्ट में चली जाएगी। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड ऐप की तरफ, जिसका नाम है वॉलनट। तो दोस्तों, ये काफ़ी सिंपल ऐप है, और सिर्फ इसका मेन मोटिव ये है कि ये आपको आपका जो ATM आप ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ATM में कैश ढूंढना चाहते हैं या फिर अपने आसपास के ATMs ढूंढना चाहते हैं, वो उसे ढूंढ सकते हैं। तो शायद इस ऐप का इंट्रो काफ़ी छोटा हो और बस ये इसीलिए बनाई गई है, जिससे आपको अपने आसपास कैश
वाले ATMs ढूंढने में आसानी हो। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि किस ATM पे कितनी बड़ी लाइन लगी है, कितनी देर पहले वो देखा गया था। और दोस्तों ये ऐप बाकी के भी बहुत सारे फंक्शंस करती है, ये एक फाइनेंशियल ऐप है तो ज़रूर ये शायद आपके लिए काम आए। तो दोस्तों ज़रूर से आप इस ऐप को इंस्टॉल करें और ज़रूर इस ऐप का फ़ायदा उठाएँ। और अगर आप भी लाइन में लग रहे हैं तो शायद आपके लिए ऐप बहुत ज़्यादा मज़ेदार साबित हो। अब हम चलते हैं हमारी सेकंड ऐप की तरफ जिसका नाम है नॉगट लॉन्चर। दोस्तों काफ़ी सिंपल ऐप है, बस आपको नॉगट लॉन्चर पे क्लिक करना है और उसके बाद जो इसका आइकन है उस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद जो आपकी ऐप जो मेन्यू है वो कस्टमाइज़ हो जाएगा। आप चाहें तो उसको वर्टिकल सेक्शंस, हॉरिजॉन्टल, किसी भी हिसाब से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने इंटरफेस को, मेन्यू को। तो हम इसको हॉरिजॉन्टल पे कर देते हैं। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल पे जाने के बाद कैसा लगता है। तो ये बिल्कुल आपके फ़ोन को एंड्रॉयड 7.0 नॉगट की तरह बना देगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देगा। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कैसे ही हमारा हॉरिजॉन्टल बन चुका है, जो हमारी ऐप्स हैं बिल्कुल कस्टमाइज होकर अब हमको दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी फर्स्ट ऐप की तरफ जिसका नाम है पिक्सल इफेक्ट। तो आप नाम से समझ गए होंगे कि आपकी फ़ोटोज़ को कौन सा इफेक्ट देता है। दोस्तों आप इससे अपनी फ़ोटोज़ को एक पिक्सल इफेक्ट दे सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको सिंपली करना क्या है। आपको सिंपली एक फ़ोटो चूज़ करनी है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक फ़ोटो चूज़ करी। फ़ोटो चूज़ करने के बाद वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। फ़ोटो चूज़ करने के बाद आपको फ़ोटो क्रॉप करनी है और उसका एरिया सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो इफेक्ट है आपकी फ़ोटो पे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आप चाहें तो इस इफेक्ट में काफ़ी सारे फेर बदल कर सकते हैं, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो ये थे इफेक्ट में स्टाइल्स भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। आपको इसमें स्टाइल मोड मिलता है, आप देख सकते हैं हमने स्टाइल पे करा तो ये स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा था तो हमने इसको नॉर्मली छोड़ दिया। उसके बाद आप चाहें तो इसमें डूडल भी बना सकते हैं अपनी फ़ोटो पर, या फिर आप जो इसका बैकग्राउंड है फ़ोटो का बैकग्राउंड उसको भी ट्रांसपेरेंट या लो बिल्कुल नॉर्मल आप इसको रख सकते हैं, जैसे कि हमें आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट होता हुआ चला जाएगा, जिससे आप किसी अच्छे फोटो एडिटर से बैकग्राउंड ऐड कर सकें। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी ऐप है। तो मैं कामना करता हूँ कि आपको ये सारी पांचों ऐप्स अच्छी लगी होंगी और आप ज़रूर से इन ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, डिस्क्रिप्शन के नीचे एक कमेंट का बॉक्स है उसमें कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल बीइंग देसी को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।